आज के हमारे वीडियो ऑफ द डे का टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मान लेते हैं कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और जिसमें हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है या कोई एक पॉइंट है। इस पॉइंट से इन्फिनिट दूरी पर हम कोई मान लेते हैं कि एक कोई बन कूलाम चार्ज रखा हुआ है या कोई एक और आपका पॉइंट है जहां पर कोई वन कूलाम चार्ज है। अब इस वन कूलाम चार्ज को इन्फिनिट पॉइंट से आपके इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में या इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क करना होता है उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिट से उस इलेक्ट्रिक फील्ड तक एक यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क करना होता है उस वर्क को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम जानेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो इसके लिए सीधे सीधे मान लेते हैं दो पॉइंट हैं, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दो हमारे कोई हमारा वायर है जिसके ये दो पॉइंट हैं। तो अब इन दो पॉइंट के बीच में एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में जो वर्क करना होगा उस वर्क को कहेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में इन्फिनिट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक एक यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क करना हो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वो होता है कि दो पॉइंट्स हैं, दो पॉइंट में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक यूनिट चार्ज को ले जाने में जो वर्क करना होता है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज, जहां पर हमारा फॉर्मूला बन जाता है वी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल वी, वर्क को हम डब्ल्यू और क्वांटिटी ऑफ चार्ज को हम क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हमारा जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, और इसे हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होती है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एक होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वो इलेक्ट्रिसिटी होती है जिसमें चार्ज हमारा मूव नहीं करता है, स्टेशनरी रहता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जिसमें चार्ज मोशन की कंडीशन में होता है, यानी कि मूव कर रहा होता है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम हर